हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय न्यूज बाजार। एटमास्टको लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 23 फरवरी फ्राइडे को होने वाली है, ना कि कल। इसमें कितना लिस्टिंग देने से 30 की टोटल सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, इसका कितना डिमांड रहा, इसकी आज की तारीख में जीएमपी कितना चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में आज की तारीख में कितना बेनिफिट दे रही है एंड कल इसका लिस्टिंग गेन कितना मिल सकती है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखें तो 2021 में ये 60.46 लाख के प्रॉफिट पर था, जो कि 2023 में बढ़कर के 1277.75 लाख हो गई। काफी तेजी से इसकी प्रॉफिट में तेजी देखने के लिए मिला, वृद्धि देखने के लिए मिला। 2021 में इसकी रेवेन्यू 6,990.68 लाख थी, जो कि 2023 में बढ़कर के 24,278.76 लाख हो गई। 2021 में इसकी एसेट 2021 में 12,036.21 लाख थी, जो कि 2023 में बढ़कर 23,620.72 लाख हो गई। प्रॉफिट जबरदस्त का ग्रो किया है। इसके नेटवर्थ 2021 में 39,012.23 लाख थी, जो कि 2023 में बढ़कर 55,020.33 लाख हो गई है। रिजर्व फंड सरप्लस 2021 में 2431.10 लाख थी, जो कि 2023 में बढ़कर के 4,039.20 लाख हो गई है। इसकी उधारी भी धीरे धीरे बढ़ा है। 2021 में 5,410.48 लाख थी, जो कि 2023 में बढ़कर 7,725.68 लाख हो गए। उधारी बढ़ाते हैं कोई बड़ी इशू नहीं है, इसकी अगेंस्ट में प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो किया है। नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस में भी वृद्धि देखने को मिला, एसेट रेवेन्यू सब कुछ अच्छा ग्रो किया है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसकी आरओई 23.15% है, आरओसीई 29.91% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 23.15% है, पीई 11.6 है। तो फाइनेंशियल ट्रैक काफी अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अब हम लोग इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये जो कंपनी है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो लौह और अलौह सेक्टर में प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन सर्विस प्रदान करती है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका उपयोग सीलिंग गर्डर, रेलवे गर्डर एंड कॉलम एंड ड्रेसिंग, बोल्टेड स्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रेशर डक्ट्स, बॉक्स कॉलम इत्यादि में उपयोग किया जाता है। जिसका मुख्य रूप से जो ग्राहक है वो है पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स, रेलवेज, सीमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, पावर ऑयल एंड गैस उद्योग, जो उद्योग का काम करते हैं, सारी फील्ड का जो इसका ग्राहक है, ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन सारे ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। इसका एक सहायक कंपनी है एटमास्टको डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो खास करके सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट्स बनाने का काम करती है, मिलिट्री के लिए खास करके, और ये महिला सैनिक के लिए भी बॉडी प्रोटेक्टर्स बनाने का काम करती है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है काफी हद तक अच्छा दिख रहा है, छोटा है लेकिन अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां इसका क्लाइंट है एंड खास करके ये जो इसकी सहायक कंपनी है, जो डिफेंस सिस्टम के लिए जो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट एंड महिलाओं के लिए बॉडी प्रोटेक्टर है, इन सारी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, निर्माण करती है। तो ये मुख्य बहुत ही अहम हिस्सा हो जाती है कंपनी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कंपनी के लिए कि इस तरीके का प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है एंड रेलवे गर्डर के लिए भी ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, जो और भी अहम हो जाती है कंपनी के लिए। तो कंपनी छोटा है लेकिन बिजनेस मॉडल काफी अच्छा दिख रही है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो ऐसी कंपनियां भी में भी लिस्टिंग गेन में हमें बहुत ही कम लिस्टिंग गेन मिले, लेकिन बाद में इसमें अच्छा रिटर्न्स मिलने का चांस है। अभी इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन 17.61 गुना ही हुआ है, कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि इसकी जो जीएमपी है बहुत ही कम है। इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई है 12 फरवरी के 10 रुपए पर, बढ़कर के 28 रुपए तक भी गया था, फिर अभी घट करके 6 रुपए पर है। इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जीएमपी की ओपनिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, 12.99% प्रीमियम के साथ इसकी जीएमपी ओपन हुआ था, 36.36% प्रीमियम को भी पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे अभी घट करके 7.79%
प्रतिशत ही अभी इसकी जीएमपी बच रही है, 6 रुपए बच रही है, कट ऑफ प्राइस 77 है, अनलिस्टेड मार्केट में आज की तारीख में 83 पर ट्रेड करी है। इसकी सब्सक्रिप्शन कुछ अच्छा नहीं हुआ, रिटेल में 18.24 गुना, आदर्श में 14.92 गुना ही सब्सक्राइब हुआ। इसके पीछे की वजह इसकी जीएमपी भी निकला, जीएमपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, उसकी वजह से लोगों ने इस आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में और भी कई ऐसे आईपीओ थे जो इससे बेहतर थे, तो इसकी वजह से लोगों ने बेहतर आईपीओ को चुना और इस आईपीओ में लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि ये भी कंपनी बहुत ही अच्छा, इसका भी बिजनेस फैक्टर काफी अच्छा है, काफी हद तक अच्छा है। लिस्टिंग गेन पर हमें अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं मिल सकती, मे भी 5 से 15-20% के रेंज में इसकी लिस्टिंग मिल सकती है। मे भी हो सकता है कल भी इसके जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिले और कॉस्ट टू कॉस्ट इसकी लिस्टिंग हो। निगेटिव लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा पर्सनली एक्सपेक्टेशन है, निगेटिव लिस्टिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि बिजनेस मॉडल काफी अच्छा दिख रही है। तो बिजनेस मॉडल के दम पर ये अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न बाद में बना करके दे सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए। अगर इसकी जीएमपी में बाय द वे किसी वजह से गिरावट देखने को मिलती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए, निगेटिव लिस्टिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें प्रीमियम ऐड होती है तो 10% मिनिमम 10% प्रीमियम इसमें ऐड होना चाहिए, तो हम लोग इसको लिस्टिंग 0% से लेकर के 15% के रेंज में हम लोग इसकी लिस्टिंग का क्यास लगा सकते हैं, और इससे भी ज्यादा होना चाहिए। और इसमें अगर निगेटिव लिस्टिंग होने का चांस नहीं बनता है, मेरा पर्सनली व्यू है निगेटिव लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रीमियम गिरती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट में लिस्टिंग या फिर 15-17% के प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसी रेंज में इसकी लिस्टिंग होने का चांस है, 0% से लेकर के 15% प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग होने का चांस है। फिर बाद में लिस्टिंग के बाद ये अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है क्योंकि बिजनेस मॉडल काफी अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। इसमें लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि इसकी जो जीएमपी है काफी गिर रही थी, लगातार गिर रही थी, इसकी वजह से लोगों ने इसमें अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आने वाले समय में इसमें अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।